दोस्तों आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं WAG-9 लोगों की न्यूमेटिक पैनल के बारे में। इस न्यूमेटिक पैनल पर बहुत से वाल्व लगे हैं, कॉक लगे हैं, ईपी कॉइल्स लगी हैं और प्रेशर स्विच लगे हैं। तो सबकी जानकारी हम आपको दे नहीं पाएंगे क्योंकि सबकी जानकारी अगर हम देंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके काम की नहीं। जो आपके काम के हैं या वर्किंग में रोजमर्रा की जो हमारे यूज होते हैं, कॉक है, वाल्व है, जो भी है, उनकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो जैसे कन्वेंशन लोगों में बीसीडी की मैन यूनिट होती है, वैसे उस तरह से यहाँ एक मैन यूनिट लगी है। ये न्यूमेटिक पैनल के ऊपर लगी है। यहाँ पे देखिए कुछ बत्तियाँ दी गई हैं, प्रोसेसर फॉल्ट के लिए, सिस्टम फॉल्ट के लिए, पीएसयू नॉर्मल के लिए बत्ती जलेगी। फिलहाल बीसीडी हमारे इस इंजन में आइसोलेट है तो यहाँ पे कोई भी बत्ती नहीं जल रही है। ठीक है, अब दोस्तों 176 इसका नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये वाला स्विच जो है, इसकी पोजीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑटो फर्स्ट और सेकंड। ये होता है पेंटो सिलेक्टर स्विच 85 नंबर। ठीक है, जब ये ऑटो का रहता है तो हमेशा पीछे वाला यानी कैब वन इंजन करोगे तो कैब टू का पेंटो उठेगा और कैब टू से एनर्जाइज करोगे तो कैब वन का पेंटो उठेगा, हमेशा पीछे का पेंटो उठता है। जब हम इस ऑटो को फर्स्ट पे कर देंगे तो हमेशा के एक नंबर का पेंट आउट होगा और सेकंड पे कर देंगे तो हमेशा दो नंबर का पेंट आउट होगा। ये पेंटो सेलेक्टर स्विच है। यहाँ पर दोस्तों पेंटो सेलेक्टर स्विच के नीचे आएंगे, ये देखिए ये सफेद रंग की जो डिब्बियां सी लगी है ना, ये प्रेशर स्विच है। जैसे कन्वेंशन लोगों में ऊपर की तरफ पैनल पे होते थे, वैसे ही यहाँ पर ये जो डिब्बियां लगी हैं सारे प्रेशर स्विच है। आपका कोई विजिलेंस कंट्रोल का है, कोई फीड पाइप का है, कोई पार्किंग भी का है, कोई पेंटो ग्राफ का है, आदि ये सारे प्रेशर स्विच है आपके। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों प्रेशर स्विच के राइट हैंड की तरफ हम जाएंगे तो सबसे पहला कॉक ये दे रखा है, ये है 70 नंबर कॉक। ये देख लीजिए राइट हैंड पे इन प्रेशर स्विच के नीचे, और यहाँ पे इसका नाम भी लिखा है, देखिए 70 नंबर बीपी का। ये बीपी का है, एलएनटी काम करता है। देखिए ये पोजिशन आपकी अगर खड़ी है तो क्लोज रहेगा, अगर इसकी लेटी हुई अवस्था यानी हॉरिजेंटल है ऊपर रहेगा। यहाँ पर इसकी पोजिशन भी बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये कॉक है, अभी ये खुला है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगा। ये उठाया मैंने और इस तरह से इसको मैंने अब ये बंद कर दिया, यानी वर्टिकल हो जाएगा तो ये बंद, और यहाँ पर देखिए ऊपर टच हो जाएगा गोल चक्री से, गोल चक्री ऊपर जाके इसको प्रेशर को रोक देगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली यहाँ से आइसोलेट कर देगी प्रेशर को। अब मैं इसे खोल देता हूँ। इसके जस्ट बगल में यहाँ पर ये जो दे रखा है वो चौपर नंबर देखिए 74। अभी ये इसकी खुली अवस्था है, अगर हम इसको ऐसे कर देंगे, इसको उठाना है आपको और यो घुमा देना है तो ये आपका बंद हो गया दोस्तों। ठीक है, अभी ये खुली अवस्था है, खुले और बंद की पोजीशन आप यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए ओपन लिखा है, अगर ऐसे होगा तो ओपन और वर्टिकल होगा तो क्लोज। यहाँ पर ये 70 और 74 के नीचे दो कॉक दे रखे हैं, पैन वन और पैन टू। ये यहाँ पर अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है पैन टू, यानी पैन टू नंबर का कॉक। ठीक है, इनका क्या काम है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपका दो नंबर का पैन टू खराब हो जाता है, टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसको आपको आइसोलेट करना है तो यहां से ये न्यूमेटिकली आइसोलेट होते हैं। ठीक है, पेंटो सेलेक्टर से जो 85 था उसे इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होती थी, यहां से न्यूमेटिकली आइसोलेट, तो न्यूमेटिकल सप्लाई भी आपको काटनी पड़ेगी। तो दो नंबर के पेंटो को आइसोलेट करना है तो इस पेन टू कॉक को हमें क्या करना होगा, बंद करना होगा। बंद करने के लिए इसकी क्या पोजीशन होती है दोस्तों, अगर ये हॉरिजेंटल रहते हैं तो जनरली खुले रहते हैं, अगर इसको हम वर्टिकल कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो दो नंबर का जो पेंटो है वो आइसोलेट हो जाएगा, आपका नहीं उठेगा क्योंकि उसको प्रेशर नहीं जा रहा है। इसी तरह यहां पर ये पेन वन, पेन वन जो है पेंटो एक के लिए, यानी एक नंबर का जो पेंटो है उसको न्यूमेटिकली सप्लाई जाती है यहां से, यानी प्रेशर जाता है, अगर हम इसको वर्टिकल कर दें तो एक नंबर का पेंटो आपका नहीं उठेगा। ठीक है, और इसकी पोजीशन अगर दोनों आमने सामने इसकी पोजीशन देखना चाहें तो ऊपर यहां पर दी गई है, देखिए ये दे रही, अगर आपकी वर्टिकल है तो क्लोज। ठीक है, अगर घुमा दूंगा इसको, और ये ओपन हॉरिजेंटल में ओपन रहता है। इसी तरह यहाँ पेंटो टू के ऊपर भी लिखा है, अगर वर्टिकल तो क्लोज और हॉरिजॉन्टल तो ओपन। तो ये है आपके पेन वन और पेन टू की कहानी। आइए अब नीचे चलते हैं। यहां पर ये देखिए ये एक चाबी लगी है IG-38। ठीक है, IG-38 वायु नियंत्रण चाबी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल अवस्था में खुली रहती है और जनरली खुली रहनी चाहिए, इसकी कहानी मैं आपको आगे विस्तार से बता दूंगा। ठीक है, अगर वर्टिकल कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगी। IG-38 की बगल में ये गेज दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर ये पेंटो रिजर्वायर का यहाँ पर प्रेशर दिखाएगा। ठीक है, ये 6 kg से ज्यादा होता है तो पेंटो आपका उड़ जाता है। ये फिलहाल दिखा रहा हमारा 9 kg से ऊपर। ठीक है दोस्तों,
और यहां पर गेज के जस्ट नीचे यहां पर दोस्तों ये दी गया आपका सोलेनोइड वाल्व 30, इसका नंबर है 30 यहां पर ये दे रखा है। इस पे क्या होता है, पार्किंग ब्रेक लगाने के रिलीज एंड अप्लाई पुश बटन होते हैं। तो याद करने का तरीका दोस्तों ये होता है कि राइट हैंड की तरफ जो पुश बटन है वो रिलीज करने के लिए है, राइट रिलीज, इसमें भी राइट में भी आ रहा है और रिलीज में भी आ रहा है। तो आप केवल एक चीज याद रखिए, राइट से रिलीज, बाकी टोटल आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अभी जो राइट हैंड में मैं ये पुश बटन दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका रिलीज का पुश बटन है, ठीक है। जो पुश बटन है ये दोस्तों पार्किंग ब्रेक अप्लाई के लिए पुश बटन है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ देखिए छोटा सा एक कॉक आपको देखने को मिलेगा, ये वाला 136 नंबर होगा दोस्तों इसका, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 136। तो ये है फीड पाइप का, इस पे लिखा भी है 136 फीड पी, ठीक है। और इसके जस्ट बगल में इसकी पोजीशन दे रखी है, अगर इस तरह से ये ओपन और इस तरह से रहेगा तो क्लोज, ठीक है। फिलहाल ये ओपन है, यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल इस तरह से है इसकी पोजीशन, तो ये यहाँ पर अभी ओपन है, ठीक है। और मैं इसे अगर घुमाकर ऐसे कर दूं तो ये यहाँ पे आपका बंद हो जाएगा, अभी ये बंद हो चुका है, ठीक है। तो मैंने इसे खोल दिया, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम लेफ्ट, इस कॉक से लेफ्ट हैंड की तरफ अगर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए बड़ा सा ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, इससे आप सभी परिचित हैं। और इसके नीचे यहाँ पर देखिए ये इसका रिलीज स्पेंडर लगा है लोको ब्रेक रिलीज करने के लिए, ठीक है। इसको खींचकर लोको ब्रेक आप रिलीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डीवी के जस्ट पीछे की तरफ अगर जाएंगे तो नीचे जहाँ रिलीज स्पेंडर है उसके जस्ट सामने यहाँ पर एक छोटा सा कॉक है 47 नंबर, ठीक है। ये देखिए छोटा सा कॉक है लाल रंग का 47 नंबर, इसकी पोजीशन ओपन और क्लोज दे रखी है, अगर वर्टिकल रहेगा तो ओपन, हॉरिजेंटल रहेगा तो क्लोज, नॉर्मल लोगों में एक क्लोज रहता है ये देखिए, और फिलहाल ये हॉरिजेंटल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डीवी के जस्ट पीछे, ठीक है। ये देखिए डीवी के जस्ट पीछे है लाल रंग का छोटा सा कॉक, यहाँ पर मिलता है 47 नंबर। तो इसके बारे में और आगे हम विस्तार से बताएंगे जब भी हम इसकी वीडियोस नई अपडेट करेंगे, ठीक है। डीवी के दोस्तों लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो यहाँ लाल रंग के दो छोटे कॉक हैं, सैंड वन, ये है आपका सैंड वन, ये देखिए, और ये है सैंड टू, और इनके बीच में इनकी पोजीशन है हॉरिजॉन्टल ओपन और वर्टिकल क्लोज, ठीक है। ये सेंडर को आइसोलेट करने के लिए दो कॉक दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे नीचे आप देख सकते हैं ये आपका एमसीपी दे रखा है, ठीक है। एमसीपी की कहानी मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता चुका हूँ, और ये आपका पैनल है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।